हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मैदे का पिज्ज़ा तो बहुत खाया होगा। आज हम गेहूं के आटे के पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो हम 1 कप आटा ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच हम ब्राउन शुगर लेंगे, आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, ओरिगानो डालेंगे 1/4 चम्मच, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1/2 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम मीठा सोडा डालेंगे। और खट्टे दही से हम इसे गूँथ लेंगे, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सॉफ्ट सा डो बनाकर हम किसी गर्म जगह पर रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। फिर हम कुछ सब्जियां ले लेंगे। ये देखिए, हमारा डो अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए कितना सुंदर डो बना हुआ है। अब हम इसका एक हाथ से या फिर चकले पे, आप बेलन से भी बेल सकते हैं इसको, तो इसको हम फैला लें, इसको हम फैला के रख देंगे। उसके बाद में हम एक पैन में घी लेंगे या बटर लेंगे। उसमें हम जो सब्जियां हैं, जैसे कैप्सिकम है, प्याज है, गाजर है और कुछ कॉर्न है, उसको हम सौते कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में हम पिज़्ज़ा ब्रेड को जो फैला कर रखे हैं उसको हम फोक से गोद देंगे अच्छी तरह से। पिज़्ज़ा ब्रेड को हम एक तरफ से सेक करके उस पर हम बटर लगाएंगे, थोड़े से सॉस लगाएंगे और उसके बाद हम उस पर सब्जियाँ बिछा देंगे। गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बहुत ही सेहतमंद होता है। अब इस पर हम मोजरेला चीज़ क्रश करके डालेंगे। आपको जितनी इच्छा उतना आप इस पर क्रश करके डाल सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी हुई है और आप लोग इसको शाम के समय चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और पिज्ज़ा को उसमें रख के ढक देंगे। ढकने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे एकदम लो फ्लेम पर। और अभी खोल के हम देख लेते हैं तो हमारा पिज्ज़ा बन के रेडी है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।